मार्केट में सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है, अपनी बिलोंगिंग्स का अपने आप ध्यान रखना है और अपना सामान अच्छे से रखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत आसार हैं चोरी होने के, टक्कर हो जाने के, लड़ाई होने के। तो प्लीज़ अपना सामान यहाँ पे आइए तो अपने आप उसका ध्यान रखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो अभी मैं जा रही हूँ प्रीबोज, इतने दिनों के बाद आज मैं शूट कर रही हूँ। अभी 1 बज रहा है और चलते हैं, देखते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा ऑटम भी आने लगा है, अब देख ही सकते हैं पीछे प्लांट्स वगैरह सब कुछ येलो होने लगे हैं अब। और थोड़े दिनों में यहाँ पे कुछ भी ग्रीन नहीं बचेगा। ये सब यहाँ पे ऐसे बलूत होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज आप मनी करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये सब करेंसीज एक्सचेंज करा सकते हैं, USD, यूरो, रूबल, पोलैंड की करेंसी एंड ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड। तो ये आपको सब रेट इसकी मिल जाएंगे। तो चलिए अंदर। दुष्का यहाँ पे ऐसे देते हैं और फिर वो आपका जो भी आज का रेट होता है यहाँ पे भी लिखा होता है, ये सब रेट से वो आपको वापस कर देते हैं। तो आप यहाँ से ले लेते हैं और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप सेंटर पे हैं और आपको अच्छा रेट चाहिए बलूत पे तो आप ये वाले बलूत पे आ सकते हैं। ये एकदम अफीना के फर्स्ट गेट से यहाँ पे एकदम अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेट मिलता है सेंटर पे। प्रीबोज वगैरह पे यहाँ पे अच्छा रेट नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ बहुत लोग जाते हैं और वहाँ पे पास में ही आपका रेलवे स्टेशन है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा नहीं मिलता है आपको रेट। तो उसके हिसाब से आपको, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं उस जगह से करेंसी एक्सचेंज कराने में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे अभी 2670 रेट मिल रहा है तो वहाँ पे यही रेट आपको मैं वहीं दिखाती हूँ, बट वहाँ पे ऑब्वियसली कम होगा मेरे को जितना पता है, क्योंकि वहाँ पे बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ टूरिस्ट आते हैं तो उनको यहाँ पे पता नहीं होता कहाँ पे बलूत अच्छा रेट देता है, तो इसलिए मैं आपको यही बता देती हूँ। मेरे अफीना है और यहाँ से सीधा ये जो आप इधर देख रहे हैं रोशन वाली साइड, तो रोशन के एकदम साइड से आपको यहाँ पे सारी बस मिल जाएंगी जो भी प्रीबोज जाएंगी, 145, 146, 148 सारी बस वहीं जाती हैं। तो अब रोड क्रॉस करके वहाँ से बस पकड़ते हैं और चलते हैं प्रीबोज। तो मैं मिलती हूँ आपको प्रीबोज पे। अब हम आ गए हैं प्रीबोज मार्केट। ये अभी यहाँ पे नया रेनोवेट हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सारा पूरा अच्छे से रेनोवेट हुआ है इस टाइम पे। यहाँ पे है अब प्रीबोज मार्केट। यहाँ पे आप भीड़ देख के बता ही सकते हैं कि यहाँ पे ये मार्केट है, और इस मार्केट का मेन जो मोटिव है, यहाँ पे जो यहाँ के जो बूढ़े लोग हैं, जो मतलब गाँव से आते हैं, अपना खुद के फार्मर्स होते हैं, वो सब अपना यहाँ पे सामान लाते हैं, फ्रेश सामान, और वो यहाँ पे लाके बेचते हैं। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आपको सुपर मार्केट में नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ के प्राइजेस क्या है। मैं भी यहाँ पे ज़्यादा आती नहीं हूँ तो, बट आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है। उसमें एक मार्केट है, आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा ये मार्केट है, पूरा आगे तक जहाँ तक आपको लाइट दिख रही है वहाँ तक ये मार्केट है। नॉन स्टॉक मार्केट, यहाँ पे कपड़े ही कपड़े हैं, यहाँ का लोकल मार्केट है। यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, कैसे इंडिया में नॉर्मल शॉप्स होती हैं, बट यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट है वैसा। आप यहाँ पे हर एक चीज़ आपको अवेलेबल है, जैकेट पूरा सेट जो होता है सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। मैं भी आज यहाँ पहली बार ही आई हूँ, मुझे भी नहीं पता था ये सब कुछ यहाँ मिलता है, बट अच्छा है काफ़ी। सेंटर पे लिया और जो रेट यहाँ पे मिल रहा है 50 ग्रेवन का अंतर पड़ जाता है, 50 ग्रेवन का डिफरेंस आ जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि बहुत टूरिस्ट आता है या फिर बहुत लोग आते हैं, और एक जगह पे जहाँ पे कम लोग आते जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ठंडा बढ़ चुका है तो इसलिए मैंने जैकेट डाली है, बट और मैं अभी हूँ नोवे रिनेक के अंदर, और नोवे रिनेक पूरा इनसाइड टाइप ऑफ मॉल है, बट यहाँ पे भी लोकल शॉप्स हैं, तो बट हम चलते हैं बाहर।
का फ्लेवर। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स सब कुछ अवेलेबल है, बेडशीट वगैरह, टिश्यू वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे कम प्राइजेस में मिलता है। आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे जिसमें ये सब बहुत ज़्यादा होता है, इसको खच्चा पूरी बोलते हैं। इसमें वेज नॉन वेज सब टाइप की वैरायटी होती है, तो आप इसको ज़रूर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और ये यहाँ का नॉर्मल मार्केट है, यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। जैसे इंडिया में कैसे मंडी लगती है, तो ये वैसा ही मार्केट है। रीनेक है और ये यहाँ का ओल्ड रीनेक है, जहाँ पे मेन सामान मिलता है कम प्राइजेस में। सब कुछ यहाँ पे चीप है, और जो अभी मेन मार्केट है वेजिटेबल्स वगैरह की वो आ गया है। ये शेड के नीचे वो सब मार्केट लगती है, तो चलिए वो देखते हैं। बाकी तो ये सब कुछ तो सब जगह अवेलेबल होता ही है, इंडिया हो यहाँ पे हो, कोई भी आप कंट्री चले जाइए वहाँ पे सब जगह पे ये सब अवेलेबल होता है, ये सब कुछ बनता है। यहाँ का नॉर्मल मार्केट है अब यहाँ पे, और जो मेन रीनेक मतलब जो नॉर्मल मार्केट होता है उससे रेट यहाँ पे बहुत वैरी करता है, और यहाँ का सामान ज़्यादा अच्छा होता है उसके रिस्पेक्ट में। खाती हूँ बट मैं दिखा देती हूँ, बहुत गंदी यहाँ पे स्मेल आ रही है इस टाइम पे। फिशेज हैं, ये ड्राई सामान है, बाकी ये सब कुछ है यहाँ पे, मेरे को इसका नहीं पता है ये क्या है। फिशेज हैं ये इसका किलो के हिसाब से, ये सब अपना फ्रेश है एकदम यहाँ पे, जो कि आपको सुपरमार्केट में मिलता है उसके हिसाब से। इसी जगह पे लेने में थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि लगता है कि अगर आपको कुछ बीमारी हो गई यहाँ पे, और क्योंकि हाइजीन का थोड़ा सा मैटर है, अब कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है, बस यही मेन कंसर्न होता है इस जगह से ख़रीदना। बाकी तो एकदम फ्रेश यही मिलता है, साफ साफ करके भी देते हैं, वो देख सकते हैं एकदम फ्रेश है, एकदम मिल भी रही है, आप देख सकते हैं सब्जी आती है यहाँ पे। चॉकलेट्स है यूक्रेनियन, वहाँ पे आपको होममेड वाइन मिल रही है, वीनो, और बाकी यहाँ पे ये मसाले का है, यहाँ पे सारे सब टाइप के मसाले मिल जाते हैं। फिर तुर्किश, इजरायली, यही सब लोग लाते हैं क्योंकि उनका भी खाना सेम होता है ना जैसा। ये जूस है, यहाँ कॉफ़ी मिल रही है, आंटी दे रही है बना के। यहाँ पे ये वाइन है, जूस बना रहे हैं ताज़ा, एकदम टेस्ट भी करा रहे हैं। मैंने आपको दिखाए थे, बाकी यहाँ पे सारा ये फ्लावर्स वगैरह भी सब मिलता है। ये यूरोप में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, इसको पिकल बोला जाता है। ये खीरा है, टमाटर है, और भी आपकी ये गाजर है, पत्ता गोभी है, बेबी कॉर्न है, और भी बहुत सारी यहाँ पे आइटम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे होममेड बना के लाते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा है। ये लोग बादाम को बादाम ही बोलते हैं, और वो भी मुझे टेस्ट करा रहा है। दाम है यहाँ पे 280 ग्रेविन किलोग्राम आते हैं, जैसे कि ये खजूर है, आप जो जो बोलोगे सब कुछ ट्राई खिलाया। ये हर कुछ जो भी मैं बोल रही हूँ ले रही हूँ वो सब कुछ टेस्ट करा रहा है। मेरे को पिस्ता ट्राई कराया, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे रेट वगैरह बहुत अच्छा। ये खजूर है यहाँ पे, ये भी मुझे टेस्ट कराया, ले लिया है बादाम, खजूर और अखरोट, और अभी ये मुझे खिलाया जा रहा है। ओचिन करोशन, ये क्या है? Это диня. Диня? Диня без сахара, которая хорошая.
Вкусный, очень вкусный. Полезный это. Сколько? 171. Ye mera 171, да? Да. Из научил уже. По-английски научил. Да, учит английский. Да? Да. Надо учиться по-английски. Спасибо. किसान का है सारा और इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे तरीके के यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं। उसने बहुत सारे खिला खिला के ट्राई कराया, फालतू भी खिला दिया। पसीबा बाय। मैं गई हूँ मार्केट, उसके वेजिटेबल मार्केट गई, फिर उसके बाद क्लोज मार्केट गई, अब उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे चीज़ वगैरह के मार्केट में, ड्राई फ्रूट मार्केट गई। अब ये मार्केट पूरा सब एकदम कनेक्टेड है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एकदम चीज़ की कितनी क्वालिटी आती है। चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ पे, अंदर सब कुछ चीज़ का है और यहाँ फ्रेश भी लाते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पर त्वरक पीते त्वरक माफलो माफलो वो ये यहाँ का बटर है और ये यहाँ का त्वरक। इस पूरे एरिया में बस आपको बटर, दूध, दही, पनीर, चीज़ यही सब कुछ मिलेगा यहाँ पे एकदम फ्रेश। ये सब अपने घर से बना बना के लाए हैं, मट्ठा, दही सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये देखिए टाइप के चीज़ों का भी है, ये गोट का बना हुआ है, ये गोट के दूध का बना हुआ है चीज़, फिर ये शीप के उसका बना हुआ है, अलग अलग टाइप के अलग अलग दूध से ये सब कुछ बना है। ये सब का अलग अलग क्वालिटी है और यहाँ पे रेट सुपरमार्केट के हिसाब से बहुत सस्ता। मैं आपको एग दिखाती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्स हैं, इतने क्वालिटी के एग्स आप इंडिया में नहीं कभी देखे होंगे जितने यहाँ पे हैं। से लेके एकदम हाई क्वालिटी एग तक यहाँ पे आप खुला हुआ भी ले सकते हैं। इसमें कितने 24 एग्स का वाइट एंड येलो पार्ट है और यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एग के साथ एक बॉक्स रखा है जिसमें कि फूटा हुआ अंडा हर टाइप का, उसमें आपको कुछ अलग ही दिखाई देगा। और ये उसके दूसरी साइड है, यहाँ पे पूरा शॉप्स वगैरह बनी है और यहाँ फ्लावर वगैरह की बहुत सारी शॉप्स हैं इधर की साइड भी, और वो जो वो सब हैं वो भी सारी फ्लावर्स की शॉप हैं। और इधर ये जो आपको वो ब्लू बिल्डिंग दिख रही है उधर, वो है यहाँ का बाजार, मतलब कि बस स्टॉप। यहाँ पे लोग बहुत यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं प्रीवोज में, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फ्रेश है। मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ मिल गया है, कम रेट पे मिलता है यहाँ पे और एकदम अच्छी क्वालिटी में मिलता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है यहाँ पे। मेरी यहाँ पे अब शॉपिंग हो चुकी है, ये देख ही सकते हैं कितना सारा सामान मैंने लिया है। और ये था यहाँ का प्रीवोज मार्केट, और आपको अगर यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आप सीधा बस प्रीवोज मार्केट लिख सकते हैं या फिर आप बगजाल पे भी आ सकते हैं, और उसके साइड में ही है एकदम। और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे और सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कर ही देना अगर यहाँ तक देख ही ली है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मेरे हाथ में सामान है बट फिर भी बाय बाय।